नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू मई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक ट्रिप है कार का जो कि सहारनपुर से हरिद्वार का है। हरिद्वार एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, यहाँ पर काफ़ी मंदिर है। रास्ते में जो अच्छे दृश्य हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर शॉर्टकट भी है, हरिद्वार जाने के वक्त हम धनोरी गाँव की तरफ से भी जा सकते हैं जो सिडकुल से रास्ता होकर जाता है। ओवरऑल मिलाकर सहारनपुर से हरिद्वार 75 से 80 किलोमीटर है जो 1.5 से 2 घंटे में कवर हो जाता है। कार को पार्किंग में लगाने के बाद पुल के नीचे से हम हर की पौड़ी और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमको गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर कई प्रकार का लकड़ी का और धार्मिक सामान मिलता है। सामने जो है मंदिर है, मनसा देवी मंदिर है। यहाँ पर उड़न कटोली की सुविधा उपलब्ध है और हर की पौड़ी से पैदल यहाँ जाया जा सकता है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं ये मेन स्ट्रीम है, जो गंगा रिवर की मेन स्ट्रीम है। जहाँ लोग नहाते हैं वो आगे बढ़ने पर हमें हर की पौड़ी के निकट वह स्थान है ब्रह्मकुंड, जहाँ पर स्नान किया जाता है। उसके लिए अलग से एक छोटी नहर के रूप में जल को निकाला गया है। आसपास यहाँ पर छोटी वाला मेन रेस्टोरेंट है, मोहनपुरी वाला है, और काफ़ी सारे मंदिर और गुरुद्वारे हैं जिनके दर्शन किए जा सकते हैं। ये ट्रिप काफ़ी एक्साइटिंग है। इस नदी के अगर हम दूसरी ओर देखेंगे तो पहाड़ पर चंडी देवी मंदिर है, वहाँ पर भी उड़न खटोली की सुविधा उपलब्ध है और लोग वहाँ पर पैदल यात्रा से भी जाते हैं। यह हर की पौड़ी का दृश्य है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर है, यहाँ पर पंडित लोग आपकी पूजा करवा सकते हैं। दो जगह पर यहाँ पर जूता रखने का स्थान है। इस हर की पौड़ी के नज़दीक जूते लाना मना है। यहाँ पर जो छतरियाँ लगी हुई हैं इनके नीचे अक्सर पंडित या कोई लोग मिल जाते हैं, जहाँ आप अपना सामान रखकर उन्हें कुछ पैसे देकर अपना स्नान कर सकते हैं और इन सब मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। सभी लोग यहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी के अतिरिक्त वैष्णो देवी मंदिर और भारत माता मंदिर काफ़ी फेमस है। और भी बहुत से मंदिर यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं। सामने पर्वत के ऊपर चंडी देवी मंदिर है, उसके लिए रास्ता पीछे चौक से होकर जाता है। हरिद्वार से ऋषिकेश भी जाया जा सकता है जो कि 27 से 28 किलोमीटर दूर है। पुल के ऊपर आगे बढ़ते हुए बाई और हमें शिवजी जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति के दर्शन होते हैं। यहाँ टूरिस्ट गेट है राजाजी नेशनल पार्क के लिए। ऋषिकेश का मेन हाईवे, अदरवाइज हम चंडी देवी मंदिर से चीला के रास्ते होते हुए भी ऋषिकेश जा सकते हैं।
लक्ष्मण झूला, राम झूला यहाँ पर काफ़ी फेमस है। फिलहाल हम लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, सो हम बाज़ार चौक पर नहीं गुजरेंगे, तो यहाँ पर एक बाईपास है जिसकी सहायता से हमारा टाइम भी कम लगेगा और ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। ऋषिकेश का ये बाईपास का जो रास्ता है ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है और आसपास सीनरी भी काफ़ी सुंदर है। लक्ष्मण झूले के नज़दीक एक तो पार्किंग है जहाँ पर भी आपको उचित लगे वहाँ आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। पार्किंग में गाड़ी लगाने पर आगे आपको पैदल ही बढ़ना होगा। यहाँ पर काफ़ी एंटिक सामान की दुकानें हैं। आसपास आप कई आश्रम और मंदिर भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है लक्ष्मण झूले के पर, इसलिए बंद किया हुआ है। सो हम आगे की ओर से नीचे जाएंगे जहाँ पर गंगा जी बहती हैं और यहाँ पर ही बोटिंग भी की जाती है। बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं। ब्यासी और शिवपुरी से होकर जो लोग राफ्टिंग करते हैं वो इसी ओर से जाते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर भी कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य है। नज़दीक ही काफ़ी अच्छी दुकानें हैं, उन पर काफ़ी अच्छा सामान मिलता है। यहाँ पर कुछ रजिस्टर्ड शॉप्स हैं जो धार्मिक सामान को सेल करते हैं। यहाँ से आप रुद्राक्ष भी बाई कर सकते हैं, चंदन की लकड़ी और जो कई प्रकार का धार्मिक सामान है, मूर्तियाँ हैं, वो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष फल भी मिल जाता है और ओरिजिनल रुद्राक्ष जो लैब से टेस्टेड होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। यह एक रुद्राक्ष फल है, यह व्यक्ति हमारे सामने इस रुद्राक्ष फल को क्लीन कर कर अब दिखाएगा। यह एक मुखी रुद्राक्ष है इसके अंदर। लक्ष्मण झूला से हम राम झूला भी जा सकते हैं जो कि वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम ऋषिकेश से सहारनपुर की ओर अपने घर की ओर जा रहे हैं और ये सहारनपुर आ गया है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट। Have a nice day.